हमारी कहानी बहुत छोटी सी है। जब हम नशे के पीछे थे, गलत रास्ते पे थे, तो हमारे कई सारे दोस्त थे। जैसे ही हमने ये रास्ता छोड़ा, सही रास्ते पे चलने की कोशिश की, तो वो हमसे दूर हो गए। जब भी हमें देखते थे, भाग जाया करते थे। क्यों करते थे ऐसा? हमने बहुत सोचा, बहुत टटोला। टटोलने के बाद जो जवाब आया, वो था अहम। अपने अहम के आगे हर कोई छोटा लगने लगता है। प्रतापपुर की फुटबॉल टीम बनी, लड़कियों ने पहल किया, तो हमने भी अपने दोस्तों से कहा कि चलो इस फुटबॉल टीम में शामिल हो जाते हैं, उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं। तो हमारा मजाक उड़ाने लगे, हम पे हंसने लगे, कहने लगे कि हम जनानी हैं, पगला गए हैं, छोटी उम्र में सठिया गए हैं और वगैरह वगैरह। आप लोगों को लड़कियों को छेड़कर बहुत खुशी मिलती है, उन्हें सताकर आप अपनी मर्दानगी पर गर्व महसूस करते हैं, है ना? सिर्फ छेड़कर नहीं, जरा एक बार उनके साथ खेलकर भी तो देखो। उनके साथ कदम मिलाकर देखो, कंधे मिलाओ, नजर मिलाओ, विचार मिलाओ। आज प्रतापपुर से शुरू होगी तो धीरे धीरे ये लहर पूरे देश में फैल जाएगी, लड़के और लड़कियों की मिली जुली फुटबॉल टीम। लड़कियों के साथ में कौन खेलेगा? सब बकवास है। लड़कियां आज तक फुटबॉल खेल पाई हैं? और ये ऊपर से नहीं नौटंकी, लड़के लड़कियों की मिली जुली टीम। हमारा नाम राजा है, हमारे मोहल्ले में सब हमारा नाम रानी रख देंगे। लड़कियां जहां हैं वहीं ठीक हैं। यानी लड़कियों को बस घर पर रहना चाहिए, माँ की मदद करनी चाहिए, गोल गोल रोटियां बनानी, यही सही कह रही हैं आप। जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर फुटबॉल खेलती हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, पर उनको अपने घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं। और लड़के ये सोचते हैं कि वो चौराहे पर बैठकर सीटियां बजाकर, लड़कियों को छेड़कर, अश्लील बातें करके अपने खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं। स्नेहा दीदी के बहन के ऊपर तेजाब फेंका गया, मगर इन्होंने बदले की जगह एक नई सोच को जन्म दिया, इंसान और इंसानियत पे भरोसा किया। आप लोगों को एक मौका मिला है कुछ नया कर दिखाने का, समाज में बदलाव लाने का। जरा सोचिए, जब लड़के और लड़कियां जमकर मैदान में खेलेंगे तो क्या हंगामा होगा? तब ना कोई लड़का होगा और ना कोई लड़की होगी, सब बस खिलाड़ी होंगे। खिलाड़ियों की सिर्फ एक भाषा होती है, खेल, सिर्फ खेल, मिलजुल कर खेलना और जीतना। तो आप सब भी शामिल हो जाइए लड़के लड़कियों की इस मिली जुली फुटबॉल टीम में।